एक पिक्चर लगानी है तेरे को, मान के चल जो थी, एक हाँ पेंटिंग दीवार पे लगानी है। अब पेंटिंग दीवार पे लगानी है, तुम हथौड़ी लेकर आओगी और कील पकड़ोगी, नेल पकड़ोगी, ठोकना शुरू करोगी, टक 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 टक। अब लगाकर देखोगी कील हिल रही है। अब आप उस पर पेंटिंग लगाओगी, नहीं लगाओगी। अब दोबारा अपने हैमर को पकड़ोगी, कील को दोबारा ठोकोगी, कब तक ठोकती रहोगी, कब तक ठोकते रहेंगे, जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए वो वाली कील पिक्चर के बोझ को सह सकती है और वो जो पेंटिंग आप लगाने जा रहे हो उसके वेट को ये ले लेगी और शीशा तोड़ेगा नहीं, करेगा नहीं। तब हम बोलेंगे या अब ये अच्छे से लग चुकी है, अब इस पे पेंटिंग लग सकती है। अब यही सेम स्थिति मन की आ जाती है। मन को क्या होता है, मान के चलो मन मेडिटेशन करना शुरू कर रहा है, शांत हो रहा है, रोज बैठ रहा है अच्छे बच्चे की तरह, टाइम पे आके बैठ रहा है, चलो चालीसा भी कर लेते हैं सब कर लेते हैं, लेकिन क्या है, ध्यान तो शुरू हो गया, प्रैक्टिस भी शुरू हो गई, लेकिन वो जो कील है ना वो हिल रही है अभी। कील जो हिल रही है उसको हिलाने वाले बहुत सारे हैं, वो कील जो हिल रही है वो इसलिए हिल रही है कि आसपास में जैसे लोअर फ्रिक्वेंसी वाले लोग आते हैं वो सब उसको टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली तुम कितनी पक्की हो गई हो। मतलब यहाँ अच्छा पे मतलब बेसिकली वो तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे सिस्टम को, तुझे हिला हिला के ये बता रहे, देखा ज्योति तू भी रेल गई, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं, आई एम ओके, या I'm cool, I'm peaceful, peaceful, affirmation. लेकिन फिर कोई बात है, यार क्या कर दिया तुम लोगों ने, फिर तुम्हारे ऊपर कोई एंगर आ गया, गुस्सा आ गया, नॉट इजी, नॉट कंफर्टेबल, नॉट लाइक दिस। अब हम बोलेंगे अरे यार वो सिचुएशन ऐसी थी ना, उसने मुझे हिला दिया, अरे यार उसने इतनी जोर से गुस्सा किया, मैंने कितना कंट्रोल किया था, लेकिन ऐसे हो गया, लेकिन बेसिकली कील हिल रही थी। मतलब बेसिकली तुम्हारा मन ही हिल रहा था, ज्योति ज्योति हिली, ज्योति को गुस्सा आ गया, ज्योति बैलेंस नहीं कर पाई, ज्योति को ये हो कि क्या करना है, मैं क्या करूं, मतलब इतना तो था, चलो ठीक है यहां से करते हैं, मारो स्प्रे मारते हैं और क्लिंजर मारते हैं। यही 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 चीज है। तो वो जो तुम्हें हिला रहे हैं उनका थैंक यू करो, अरे यार तू मुझे गुस्सा नहीं दिलाती तो यार मुझे कैसे पता चलता मैं कितनी पक्की हो गई। शुरू में जब मेडिटेशन सिखाने निकले तो क्या होता था कि बड़े सारे लोग भी नजर आ रहे हैं, स्पिरिट्स भी नजर आ रही हैं, कभी तुम डर रहे हो, कभी तुम मर रहे हो, कभी तुम्हारे पसीने छूटते हैं, कभी होता, इतना तो देख सकते हैं, इतना नहीं देख सकते, थर्मामीटर वाला हिसाब 96 है तो ठीक है भाई ये कॉफी पी लेते हैं ठीक हो जाएंगे, 99 आ गया तो बुखार है, लाइक दैट। तो ये जो अलग अलग एक्सपीरियंस मेडिटेशन में होने शुरू होते हैं, कुछ रंग दिखाई दे गया तो वाओ मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया मेडिटेशन हो गया, कुछ नजर आ गया तो डर गए, कहीं कांप गए, कहीं, ये सब क्यों हो रहा है तुम्हारे संग, सोचो ये सब क्यों हो रहा है, तुम्हारे को हिला हिला के देख के बता रहे, देखो हिल गए देखो डर गए, कौन कह रहे तुम्हारे अंदर फियर एनर्जी नहीं है, है तुम्हारे अंदर, वरना डरे क्यों, डरा कौन। हाँ ठीक है तुम कह सकते हो तुम्हारी 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 एस्ट्रल बॉडी नहीं डरी, इट्स ऑल वेल, तुम्हें तुम्हें सिल्वर कॉर्ड समझ में आ गया, इट्स फाइन, आपको सिल्वर कॉर्ड समझ में आ गया, फाइन, आपको भी ये नॉलेज समझ में आ रही है, लेकिन तुम पॉज नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे तुम फेल हो गए। देखो शरीरों के हिसाब से देखो, फिजिकल बॉडी, देन योर एथरिक बॉडी, योर इमोशनल बॉडीज, ओके, योर इमोशनल बॉडी इज द सेम वे योर एस्ट्रल बॉडी, देन द मेंटल बॉडी अब विचार ला रही है, अब ये तू सोच रही है ज्योति, ये सोच रही है, तू देख रही है ये हो क्या रहा है, मतलब बेसिकली तो ये विचार आना मीन्स तेरी मेंटल बॉडी इवॉल्व हो रही है, मेंटल बॉडी तेरी इवॉल्व हो रही है, कारण में ओके जाना चाहती है, यानी तेरी कॉजल बॉडी का डोर खुलना शुरू हो गया, लाइक मतलब यू आर सीइंग एट द, खुलना शुरू हो गया, मैं क्या बोलूंगी थोड़ा ना तुम्हारी कॉजल बॉडी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, अभी तक कारणों में नहीं जाते तब तुम कारण देखने लगे, और कारण देखते देखते कारणों का पता भी चलेगा ज्योति को, अच्छा यार ये ऐसा इसलिए होता है मेरे संग, ऐसा इसलिए होता है मेरे संग क्योंकि वो बंदा जो मुझे बार बार हिलाकर जा रहा है, अब मैं उसका फोन ही नहीं रिसीव करूंगी। अब नाउ यू टेक अ डिसीजन, अब तुम्हारी मेंटल बॉडी क्या करती है, ओके
अब मैं उसका ना फोन ही नहीं रिसीव करूंगी। जब देखो वो मुझे लोअर एनर्जीज पे ले आता है तो वो मेरा मेरा शुभचिंतक नहीं है, वो मेरा दोस्त भी नहीं है, वो मेरा बेसिकली सबसे बड़ा, मेरे को उससे उसकी उपेक्षा कर देनी है। तो तुम क्या करते हो, वहां से कट डाउन कर देते हो, कट डाउन कट डाउन। अब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी आ रही है कि तुम्हें ये पता है तुम्हें कहाँ यस कहनी है, कहाँ नो कहनी है। नाउ यू आर बिकमिंग मोर प्लेफुल, नाउ यू आर बिकमिंग मोर मोर वी कैन से की अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है, किसको यस करनी है, किसको नो करनी है। तुम ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री देना बंद कर दोगे। नहीं, फोन पे ही बात, कोई कहेगा मैं आपके घर आ रहा हूँ, नहीं, फोन पे ही बात कर लेते हैं। अब अगर तुम ये वाला काम करने निकले हो कि ठीक है भाई अपना है, तो आज आशा मैडम भी तो इतने लोगों को अपना टाइम दे रही है, तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ होता होगा। ज्योति के मन में यही आया है, मुझे पता है, वो सीधा कंपैरिजन मेरे ऊपर, आप दिन भर इतने लोगों से बात करते हो, है तुमको पता है ये युद्ध का मैदान है तुमको पता है यहाँ जाके तुम्हारी एनर्जी लगेगी लगेगी, पता हाँ है, फिर भी तुम निकलते हो, फिर भी तुम निकलते हो कि ठीक है यार मेरा पर्स बहुत भरा हुआ है, मेरे पास बहुत माल है, कोई बात नहीं, वो मेरा थोड़ा बहुत लेगा, मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी लेगा, वो तो कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगी करूंगी और मैं दोबारा वापस अपने सोर्स से कनेक्ट होंगी और दोबारा मेरे पास फिर वो एनर्जीज का बैंक मेरा फुल ऑफ हो जाएगा, लाइक दैट। सो ठीक यू है हैव टू बी ऑलवेज कनेक्टेड विद द हायर एनर्जीज, यू हैव टू ऑलवेज कनेक्टेड विद द सोर्स, यू हैव टू ऑलवेज कनेक्टेड विद द, कि तुम्हारे पास, अब मान के चलो अगर कोई ऐसे ही सब सोचने लगेंगे तो जिनकी लोअर एनर्जीज है, जिनकी टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत ध्यान करने वाले भाग जाते हैं उनके पास से, नहीं, तुम तो एनर्जी ले लोगे हमारी, तुम तो एनर्जी ले लोगे हमारी, तुम तो ऐसा कर लोगे, आप तो एनर्जी, लाइक दैट। सो ये एक ब्रेव सोल्स होते हैं जो जानते हुए समझते हुए फिर भी अपने छोटों की मदद करने निकलते हैं विद योर कंपैशनेट हार्ट, विद योर कंपैशनेट हार्ट, गॉट इट। हाँ आ गई मान के चलो कि ज्योति की एनर्जी कम हो गई है इस काम में, फॉर एग्जाम्पल अब ज्योति फील कर रही है लो ऐसा हो गया, अब उसको दोबारा अपने आप को चार्ज करने में टाइम लग रहा है, अभी तरीके भी नहीं पता है। स्टेप्स नोट कर लो सब लोग, जो भी ऐसा करते हो, सेवा करते हो, निकलते हो, पहले तो अपने आप को बचाव रखोगे, फिर देखोगे सबसे पहले, फिर तुमको अपने आप को लेना, अभी कुछ भी ऐसा होता है, नंबर वन टेक द सॉल्ट बाथ लो, रिलीज द एनर्जीज, कट द कॉर्ड्स, रिलीज योर सेल्फ विद दोस काइंड ऑफ एनर्जीज, कि वो तुम्हारी इमोशनल बॉडी में आके तुम्हें हर्ट ना करें, तुम्हें परेशान ना करें। एंड कटिंग द कॉर्ड इज वेरी मच असेंशियल, जितने भी लोग अगर हीलर्स थेरेपीज करते हैं, एवरी टाइम हर क्लाइंट के बाद जस्ट कट द कॉर्ड्स, जस्ट कट द कॉर्ड्स। अगर मान के चलो कि अभी आप लोग हीलिंग प्रोफेशन में हो, कहीं ना कहीं जो लोग मुझे सुन रहे हो और कहीं ना कहीं तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन इस प्रोफेशन को अभी कंटिन्यू करना चाहते हो, देन इन एवरी, एक क्लाइंट गया, दूसरा क्लाइंट आया या कुछ भी है, एवरी टाइम क्लींस योर एनर्जीज, फॉर इनहेंसिंग द एनर्जीज ऑलवेज यू कैन यूज द क्रिस्टल्स। मैं जितने भी लोग, अगर तुम ऐसा काम कर रही हो ज्योति, तो तुम्हें अपने आसपास में इस तरह की क्रिस्टल्स एनर्जीज रखनी होंगी जो तुम्हारी एनर्जीज को जो आ रही है उसको बैलेंसिंग कर पाए। यू हैव टू सराउंड योर हाउस, दैट स्पेस, विद द पिरामिड एनर्जीज, विद द क्रिस्टल एनर्जीज, विद द सॉल्ट एनर्जीज, विद द एनर्जीज हु कैन चार्ज अगेन यू। एंड या तो सबके अपने अपने तरीके हैं फिर, कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक, कि हमारे ऊपर वो आत्मा वाली, कि हम आत्मा है, अब अपनी पिक्चर लगा लो, वो हैंगिंग में तुम ही हो जो आत्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ नाउ यू डिजर्व दैट फोटोग्राफ विद इन दैट कील ओनली, कि मैं ही आके टंग गया हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता, वो कील भी मैं हूँ, वो हथौड़ी भी मैं ही हूँ जो मुझे ठोक बजा रहे हैं, पिक्चर भी मेरी लगी हुई है, दैट्स इट